सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। और आज का आर्क ड्रैगन हंटर का जो एपिसोड है उसमें हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे एक नया बॉस एड हुआ है गाइस हमारे आर्क ड्रैगन हंटर में। उसको मार के उसको टेम करने का काम आज हम लोग करने वाले। बाकी आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, ट्रस्ट वगैरह गेम के सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेलना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो चलो गाइस आज का आर्क ड्रैगन हंटर का जो एपिसोड है वो करते बिना किसी देरी के शुरू और मचा डालते गाइस एकदम फुल टू। तब भाई ना मेरे भाई, तो गाइस देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से नए बॉसेस ऐड करे गए। सो ओरिजिनली वाला जो गाइस यहाँ पे गोलगप्पा बॉस था, उस गोलगप्पे बॉस को हम लोग ने मार दिया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे ऐड करा गया है वॉइड, जो ओल्ड वाले बॉसेस ये चारों थे, इनको हम लोग हरा चुके पहले ही। बट इसमें एक नया बॉस ऐड करा गया है जो कि एक नाइट विच है। यस गाइज, एक विच जो है ना गाइज वो यहाँ पे ऐड करी गई है और इसको मार के इसका टेमेबल वेरिएंट हासिल करके हम लोग इसका टेम करने वाले आज की इस एपिसोड में। सो सबसे पहले मैंने इसका जो गाइज यहाँ पे बॉस वेरिएंट है वो बना लिया है। ये ओल्ड है ना, तो ओल्ड से पहले ओरिजिनली वाले से ओरिजिनली वाले को बिड़ाओ क्या इससे। ओरिजिनली वाला हमारे पास डोडोरेक्स होगा ना, ओरिजिनल वाला मेरे पास कोई भी डायनो नहीं है। ठीक है, गरीना कौन सा वाला है अपना डायनो, गरीना बॉस से फाइट लू क्या। गरीना बॉस वर्सेस गाइज यहाँ पे हम लोग ये जो नाइट विच बॉस है ना उसकी फाइट करा देते पहले, एंड उसके बाद जो है ना गाइज हम लोग यहाँ पे टेमिंग शेपिंग करेंगे भाई। ठीक है, गरीना बॉस के लिए गाइज रुक जाओ, यूनिवर्सल सैडल जो है गाइज वो बना लूँ पहले। इसके ऊपर यूनिवर्सल सैडल लगाता हूँ भाई, वही डायनो यूज करके बॉस फाइट लेने में ना मजा नहीं आता, इसलिए मैं अलग अलग जो है ना गाइज तरह के डायनोज यहाँ पे यूज करता हूँ हमेशा बॉस फाइट में। क्या ना भाई, मजा आ जाता है अलग अलग तरह के डायनोज जो है ना गाइज यूज करके बॉस की पुंगी बजाने में। चलो मैं फटाफट से अभी यहाँ पे जो यूनिवर्सल सैडल है एबिस वाला वो बना लेता हूँ, एंड वो हमारे गरीना के ऊपर पहना के इस गरीना से गाइज हम लोग फाइट करेंगे। भाई गरीना को मैंने किसी भी फाइट में अभी तक नहीं उतारा है ना, अगर उतारा भी होगा तो भाई बहुत टाइम पहले उतारा होगा, बेचारे को भाई देखा भी नहीं बाहर निकाल के अच्छे से मैंने। चलो आज गए जिससे हम लोग बॉस फाइट करने वाले। बॉस को लिया क्या मैं, ओके बॉस को ले लिया है। चलो अभी फटाफट से बेस से थोड़ा सा दूर चलते हैं क्योंकि ये नया बॉस है तो मुझे पता नहीं इसकी एबिलिटीज पावर क्या है। सो हमारे जो है ना इस घर के लिए भी खतरा साबित हो सकता है ये बॉस, इसलिए मैं इसको जो है ना थोड़ा सा हमारे बेस से दूर ही लेके चलूंगा। बाकी हमारा गरीना बॉस गाइस एक स्टोन से बना हुआ बाई रेक्स है, जिसके पास जो है ना गाइस काफी ज्यादा पॉइजनस फ्लावर और ग्रास उगाने वाली एक एबिलिटी है। ओए बैलन एंड से पंगा ले सकता है, 12 मिलियन मिलते हैं भाई घर जाएगा इसका रिटर्न टिकट भाई। बैलन एंड भी ओल्ड वाला ही बॉस है, इससे पंगा ले सकता हूँ क्या मैं भाई, डरे क्या जिम करेगा इस रुको। बैलन एंड से बैलन एंड ने खुद मेरे से पंगा ले लिया और बैलन एंड के बच्चे है, मारूंगा इतना पता नहीं कितना बेटा। ओ मेरा सैडल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है वैसे भाई, दबे देखा जाए तो ये बैलेंडेड से भाई फालतू मैंने पंगे ले लिए हैं, मैंने फालतू में बैलेंडेड बहुत से पंगे ले लिए। मैं जा रहा हूँ कैसे हमारे घर पे चुपचाप से भाई, फालतू में पंगे ले लिए मैंने, इससे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। इसको जो है ना कैसे हम लोग नाइट विच से मारेंगे, ठीक है हमारी नाइट विच से मारेंगे। आना नहीं रे स्पाइनो भाई, पीछा कर करके इधर चलो। चल भाई एक मिनट रुक जाओ, बैलेंडेड भी तो ओल्ड वाला बॉस है और अभी जो मैं स्पॉन करने वाला वो भी ओल्ड वाला बॉस है, तो क्या रेक्स उसको भी नहीं मार पाएगा। चलो मैं देखता हूँ, मैं नाइट विच को अभी यहाँ पे स्पॉन कर रहा हूँ। ऑलराइट भाई, नाइट विच है, मजाक है क्या ये, अबे ये अरे भाई ये है क्या, अबे भाई ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है जो भी चीज है। अरे भाई रुको, नहीं नहीं गाइस नहीं नहीं इससे ना हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, डैमेज कम पड़ रहा है बहुत ज्यादा भाई, उसके 200 मिलियन हेल्थ है और मेरा डैमेज खुद का रे। अरे रेक थोड़ा बावड़ी पूछे क्या, वो बॉस ने देखा नहीं देखा, अच्छी बात है बॉस देखता ना बैंड बजा देता भाई। मैं रुक जाऊँ, मुझे ओरिजिनली वाला जो अपना रेक से गाइस उसको यूज करना पड़ेगा,
डोडोरेक्स ओरिजिनली वाला कहाँ पे है? कैरलिन 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 को यूज करना पड़ेगा भाई, बहुत खतरनाक है भाई, अजीबोगरीब दिखने वाले हैं भाई वो बॉस। अबे हटो जल्दी यहाँ से, देखना भाई काफी अजीब दिख रही है और काफी कूल भी लग रही है मेरे को तो। देखो वो लाना बेटा, केल लेजर छोड़ेगी बेटा, लेजर छोड़ेगी, लेजर छोड़ेगी तू है, लेजर छोड़ेगी भाई। इसके बड़े कितने भाई, कितने हाथ कितने पैर है समझ नहीं आ रहा, दिखने में तो खूबसूरत है भाई ठीक है, बट नीचे का पोर्शन जो ना गाइस वो काफी ज्यादा वियर्ड है इसका भाई। एक जो ना गाइस ओए ये क्या है, ये मैन ये क्या अटैक था इसका, इसका ये वाला अटैक क्या था, काफी ज्यादा तगड़ा वाला जो ना गाइस यहां पे अटैक तो लग रहा है मुझे, मार रही है मार रही है मार रही है भाई, डरते है गाइस से भाई, ये इसको पीछे से मार रहा हूं मैं बेचारी को, इसको बेचारी को पीछे से मार रहा हूं और इसके ऊपर फेस बने हुए लोगों के, इंसानों के फेस बने हुए भाई इसके ऊपर। अरे भाग रही है भाग रही है भाई भाग रही है, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, भाग के मेरी जान, रुक जा है रुक जा नाइट विच की बच्ची, रुक जा भाई तो भाग रही है भाई, ये भाई मेरे बेस की तरफ नहीं जाना, मेरे बेस की भाई मेरे बेस की तरफ मत जा, मेरे बेस की तरफ नहीं जा वरना जला के भस्म कर दूंगा तेरे को मैं नाइट विच ठीक है, बेस से दूर रही हो, बेस से दूर रही हो, चल चल भाई चल, कल 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 भाई कल आना कल भाई, नाइट विच का लुक देखना गाइस, मैं आपको लुक दिखा दुख बोल दिया लुक दिखा देता हूँ, एंड साथ में ना इसको क्राउड भी कर लूँ, ये देखो नाइट विच। हाँ भाई इसका तो भाई हवा फुस हो गया गुब्बारे में से, हवा भाई निकालने के बाद कैसे गुब्बारा कैसे एकदम टाइट फिस हो जाता है, वैसे फुस हो गई है भाई नाइट विच। चलो नाइट विच आपको मैं टेम करके डायरेक्टली दिखा देता हूँ ठीक है भाई, नाइट विच का टेमेबल वेरियंट हमको मिला है, मैं इसको भाई टेम करके दिखाता हूँ, अब भी लग रहा है कुछ खतरनाक डायनो मिल रहा है। हाँ अरे बस कर भाई, डरा रही है ये भाई, डरा रही है, वहां पे गई और वहां से ज्यूप करके यहाँ पे आ गई ज्यूप करके ठीक है। इसको ओल्ड खिलाना है, ओल्ड खिलाना है ना, मेरे पास ओल्ड पड़ा हुआ है, रुको फटाफट से खिला देता हूँ, और एफएम के वाला पोशन जो है वो भी खिलाना पड़ेगा, हो जाइए टेम, ये हो गई गई हमारी नाइट विच टेम, इसका नाम अनिल है ना अनलिस है ठीक है चलो। तो ये रही गई हमारी नाइट विच, इसको खा जा पहले, इसको खा जा नाइस। अबे ओके अभी सबसे पहले मैं आपको इस नाइट विच का खतरनाक सा लुक दिखा देता हूँ, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है भाई, लोगों के हाथ मुंह पंजे पैर क्या क्या बना हुआ, ऐसे लग रहा है गाइस कि इसके पेट के अंदर इंसान है, ये देख रहा सच में भाई, चिल्ला रहे इंसान और हाथ वगैरह उनके स्कल वगैरह बने हुए भाई, जिसने भी मॉड बनाया ना डिटेलिंग पे खतरनाक काम करा है गाइस, एक नंबर भाई। इस नाइट विच के लिए एक लाइक तो बनता है भाई और एक सब्सक्राइब भी कर दो, और गाइस हमारे दो चैनल है गेमिंग विद एनी और आर्क गेमिंग, दोनों चैनल को चेकआउट कर लेना, आपको कम्युनिटी टैब में लिंक मिल जाएगा ओके भाई। देखो भाई हाँ ये देखो चिल्लाने वाला फेस है भाई, इसके भाई पैर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ये 8 पैर है, उसके बाद ये लंबे वाले 2 पैर अलग, और ये वाले जो हाथ है लंबे वाले वो 2 अलग, और इसके पर्सनल 2 जो हाथ है वो अलग, ऐसे तो खूबसूरत ही लग रही है, देखना गाइस हमारी नाइट विच ऐसे तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, देखो भाई देखना भाई ऐसे खूबसूरत लग रहे, लेकिन नीचे आते ही भाई जो इसने मॉन्स्टर वाला लुक लिया है ना भाई, वो काफी ज्यादा डरावना है भाई, क्या लग रही है देखना, ये देखना क्या लग रही है ना, क्या लग रही है, देखो रुको रुको देखो, ये देखो ये देखो भाई नाइट विच अभी तक की दिखने वाली सबसे खतरनाक डायनो है, ये बॉस है एक्चुअली में, इट्स नॉट डायनो इट्स अ बॉस, और इसके नाखून देखना गाइस, इसके जो मेन 2 हाथ है उसके नाखून देखना कितने नुकीले है, ये देखो 4 ही उंगलियां इसके नाखून पे और पूरी नुकीली है भाई, और ये क्या वो इसके ऊपर आर्मर लगा हुआ है, ओ इसके भाई पूरे बॉडी पे ये देखो एक आर्मर लगा हुआ है, कूल सा ये पीछे वाला पोर्शन भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई, काफी कूल है, अभी इसको चला के इसके अटैक भाई कोड कोड से ना वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ। हाँ जी राइट क्लिक पे भाई, ऊपर हवा में उड़ने वाली पीटी को भी भाई इसने मार दिया, देख रहा हूँ पट से भाई हाथ से मार रही है जोर से, लेफ्ट क्लिक पे अपना हाथ जमीन पे गिरा के ब्लू लाइटनिंग रे आसमान से गिराने का काम कर रही है, वो चारों तरफ सर्कल में गिरा रही है ताकि कोई भी मेरे ऊपर हमला कर रहा होगा किसी भी एंगल से तो उसको डैमेज पड़े ही पड़े,
काफी बढ़िया। सीपे सीपे क्या कर रही है भाई? सीपे अपना जो नाकू ने मिडल फिंगर गाइस, देखना ध्यान से देखना, अपनी मिडल फिंगर को फुल चार्ज करके उससे अटैक कर रही है, देखना देखो। अच्छा नहीं, पूरे हाथ को चार्ज कर रही है ये। इसकी लेकिन मिडल फिंगर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े नहीं है, देख रहे हो? एक्सपे कुछ तो कर रही है। ओ भाई एक्सपे गाइस, ये जो इंसान बने हुए इसके पेट पे, वो गाइस एनर्जी छोड़ रहे है। वो देखना उनके मुंह से एनर्जी बीम छूट रही है। ये इंसानों को खाके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करती है बॉस। क्यूपे क्यूपे भाई एकदम खतरनाक सा ब्लास्ट है भाई। सारे भाई अपने पैर जो है गए तो जमीन पे टिका के एकदम ब्लास्ट कर रही है। आर पे कॉम्बो ही कॉम्बो। अरे बाबा आर वाला कॉम्बो देखो, कॉम्बो देखो आर वाला। आई बावड़ी हो गई है भाई, फुल पागल हो गई भाई ये तो। जी पे स्पेस भाई, ये क्या है भाई? भाई बम चिके चिके बम बम। स्पेस पे आसमान से एक पोर्टल क्रिएट करके उस पोर्टल में से बम गिरा रही है ये नीचे। पर जगह देखो, ये देखो, ये देखो आसमान में पोर्टल बना, पोर्टल में से बम आके सीधा नीचे। भाई यार क्या अटैक है यार इसके पास, एक नंबर भाई। मजा आ गया गाइज, इसको टेम कर दे तो सच में गाइज मजा आ गया। 100 मिलेनियल तो भी शायद से मेरे हिसाब से, हाँ 100 मिलेनियल था। बाकी बचे हुए पॉइंट मैं इसके डैमेज में डालूंगा। मुझे इसको मैक्स लेवल का करना है गाइस, हमारी इस विच अंकल एंटी जी को, ठीक है भाई? इस विच को मुझे मैक्स लेवल का करना है, मुझे देखना इसके अटैक्स कितना डैमेज डील कर रही है भाई। ये कुछ हुआ भाई, आज पूरा जो गाइस हम लोग आज जितने भी हम लोग ने एपिसोड गाइस यहाँ पे बनाए हैं उसमें अगर सबसे खतरनाक कोई चीज़ हम लोग ने देखी होगी तो वो ये है, ओके। और सबसे ओपी चीज अगर कोई देखी होगी तो ये, वो नाइट विच बेटा। क्या मैक्स लेवल कर दो पहले, उसके बाद इसको इम्प्रिंट भी करना है मुझे। पहले इसको मैक्स लेवल करना है, तो पहले मैक्स लेवल करेंगे उसके बाद इम्प्रिंट भी करेंगे। और स्पेस वाला बम गिरा हो ग्रिफिन के ऊपर, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है वो ग्रिफिन है। ग्रिफिन ग्रिफिन के ऊपर नहीं गिरा, इसके ऊपर गिरा। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आसमान से बम गिर रहा है। पट हाँ, 1.5 लाख 2 लाख का डैमेज गया। मुझे लगा मिलियन में डैमेज जाएगा गाइस, बट मिलियन में डैमेज जो है ना गाइस वो जा नहीं पाया बेचारी का। चलो कोई ना नाइट विच जी, भाई पीछे से भी भाई जब इसको मैं चला रहा हूँ ना तो एकदम खतरनाक वाली गाइस फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है किसी बड़े से मॉन्सर को चला रहा हूँ क्वाड लेवल के, ऐसी फुल फीलिंग आ रही है। एक नंबर नंबर वन भाई ओपी बॉस है ये। मैं इसको जो है ना गाइस इम्प्रिंट भी कर रहा हूँ फटाफट से। इम्प्रिंटिंग पोशन हम लोग इसके इन्वेंट्री में डाल के इसको इम्प्रिंट भी कर रहे हैं, ओके। 124 मिलियन जो है गाइस वो इसकी हेल्थ हो चुकी है यहाँ पे, ओके। चलो अभी देखते हैं इसके अटैक्स जो है गाइस उनका डैमेज कितना है। राइट क्लिक वाला अटैक 5 लाख का डैमेज दे रहा है, नॉट डाइड बैड, ओके ओके। 5 लाख वैसे कमी है लेकिन ठीक है, कोई ना। लिप क्लिक तो रे छोड़ने वाला अटैक है ना एक, तो इस रेज में जब तक कोई आएगा नहीं तब तक डैमेज पता नहीं चलेगा हमको। जब तक इन रे में कोई 5 लाख सिमिलर अटैक है। सीपे पावर वाला एक अटैक है ना, अपने हाथ को चार्ज करके मारने वाला अटैक है सीपे। रुको लेट मी चेक डैमेज। सी वाला अटैक का 2 लाख डैमेज है, ज्यादा नहीं है, ओके। एक्स वाला अटैक ब्लास्ट, ओके 4 लाख का डैमेज है एक्स वाले अटैक का। जेड पे कंट्रोल पे क्यू पे, क्यू वाला अटैक 5 लाख डैमेज है। आर वाला अटैक, आर वाला कॉम्बो वाला अटैक है ना इसका, इसका भी कुछ 55 मिलियन क्या? रुको, अरे बाबा, अरे भाई 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 डैमेज देखो। मेन अटैक तो इसका आर वाला अटैक है, 55 मिलियन का डैमेज दे रहा भाई, मजाक हो रहा है। और ये वाला अटैक उसका तो डैमेज कम ही है, 4,000, 5,000, 1 मिलियन तक डैमेज जा रहा है भाई, एक नंबर यार। इसका आर वाला जो कॉम्बो वाला अटैक है ना गाइस, कॉम्बो अटैक, उसका डैमेज भाई 55 मिलियन जा रहा है सीधा, 55 मिलियन। अरे क्या है, लियो बेटा लियो, सीधा पेटी बना रही है और पेड़ वगैरह पत्थरों वगैरह को तोड़ तोड़ के जा रही है ये भाई। लेट्स गो, लेट्स गो। ये देखो
ये इसका मेन अटैक है गाइस। इससे ना हम लोग बैलेंडेड बॉस की बैंड बजाते हैं, जो कि गाइस हमारे घर के सामने ही है। चलो गाइस आ जाओ। भाई बैलेंडेड बॉस वर्सेस हमारी नाइट विच बॉस, देखते भाई यहाँ पे कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। मुझे तो लग रहा है हमारी नाइट विच जो है ना कैसे ज्यादा पावरफुल है। भाई बैंड बजा देती मैं हमारी नाइट विच जो है ना कैसे बैंड बजा देती ले बेटा। मुझे लग रहा है कि जो बैलेंडेड बॉस तो भाई मेरे सामने छोटा बच्चा है। मैंने इसको आर्मर भी पहना रखा भाई, डरना बिल्कुल नहीं है भाई। इजी पीजी मार दिया भाई सबको इजीली काट के रख रही है भाई ये। मजा आ गया इसको टेम करके, सच में भाई इसको टेम करके तो भाई एकदम फुल मजे ही मजे आ गए। लियो बेटा फट से। ये वाला जो एंड पे ब्लास्ट हो रहा है ना उसका डैमेज सबसे ज्यादा जाएगा, बट वो डैमेज जो है ना गाइज वो देखने से पहले भाई जिससे भी हम फाइट कर रहे हो मरे जा रहा है, तो हम लोग को उसका डैमेज नहीं दिख पा रहा कितना जा रहा है। 55 मिलियन ही दिख रहा है खाली डैमेज। वो एड पे जो ये स्लैश छूट रही है ना उसका डैमेज नहीं देख पा रहा हूँ मैं। चलो बैलेंडेड बॉस से जब फाइट करूंगा ना तब मैं भी वहां पे मुझे वो डैमेज देखने को मिले। इसको भाई पूरे के पूरे 8-10 पैर और यहाँ पे 4 हाथ है। 10 पैर और 4 हाथ गाइस, ठीक है इस वाले बॉस को 10 पैर और 4 हाथ है और इसने तो इतने इंसानों को खाया क्या बोलूं मैं। अरे गाल हाँ 200 मिलियन हेल्थ ना इसकी भाई, 200 मिलियन हेल्थ ना बैलेंड की भाई। उड़ा डाला एक पटके में भाई, इतनी पावरफुल है क्या ये भाई? तू इतनी पावरफुल है। तो अभी ये है ओल्ड वाली, मैं इसको टैबू 800 मिलियन हेल्थ वाले बॉस से बिड़ाता हूँ ना। देखते नाइट विच एक पटके में, एक पटका भी नहीं कंप्लीट हुआ था, छुआ बस मैंने उसको, 200 मिलियन वाला बॉस सीधा खल्लास खत्म। कब भाई शुरू हुई फाइट, कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। रुको, मैं बुला रहा हूँ 4 मुंडी वाले गाइज अभी यहाँ पे स्केलेटन बॉस को, उससे फाइट लेके देखते हैं भाई कि हमारी जो गाइज नाइट विच है वो यहाँ पे क्या क्या कर पा रही है। वह बहुत खतरनाक है नाइट विच तो, चलना रे कलाना कल बेटा। ठीक है रुको यहाँ पे बुला रहा हूँ मैं 800 मिलियन हेल्थ होगी। मैं आपको हेल्थ भी दिखाता हूँ ठीक है, इसकी हेल्थ देख लो। हेल्थ है भाई 800 मिलियन ठीक है। बुला रहा हूँ मैं नीचे, आर अटैक दे रहा हूँ नीचे भाई, पहले नीचे। अरे आना टच करना, हाँ खत्म भाई, क्या मार रही है ये भाई। 800 मिलियन हेल्थ वाले बॉस को मक्खन की तरह काट के रख दिया भाई। रुको 5 बिलियन वाला बॉस भाई, 5 बिलियन हेल्थ वाले बॉस से भाई पंगे लेंगे अभी भाई। रुको भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गई यार। 55 मिलियन भाई तू मार रही है, मजाक कर रही है यार ये भाई। आजा भाई सेवन बिस्ट के बच्चे चल, इसको भाई थोड़ा बेस से दूर लेके ही जाके भाई फाइट करेंगे। मैं नहीं चाहता भाई इससे भाई फाइट करते मेरे बेस पे आ जाए, इससे ब्लू ऑब्लिक पे चलते और वहाँ पे फाइट करते। अगर इसने 5 बिलियन वाले इस बॉस को भी इतने ज़्यादा आसानी से मारा ना तो समझ लेने का ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड बॉस है भाई। ठीक है आजा रे नीचू ना वांदे, नीचे आ जा मेरे भाई, नीचे। डार्क एनर्जी बॉल मेरे को लगेगा ही नहीं, तो यहाँ से कल्टी मार रहा मेरी जान। मैं तो कल्टी मार के तेरे रेंज में आ रहा हूँ, रुक जा तेरे रेंज में आ रहा हूँ ताकि 1v1 भाई मुंह पे फाइट ले सके। कर दी ना भाई गद्दारी कोर बे हैं, गद्दारी करी ना इसने भाई, गद्दारी करी गई जी आप पे। मैं जा रहा हूँ गजर को भाई, मैं टीपी मारूंगा, मुझे इसके स्टंट से भाई इम्यून रहना है। आ जा इधर आइयो। अबे यार इधर आई हो क्या भाई, मैं वहाँ पे जा ही नहीं सकता। रुको गाइस, ये भी मुझे मार नहीं पा रहा भाई, तो मैं ये भी मुझे मार नहीं पाया। ठीक है मैं जा रहा हूँ इसके पास, इसको जो ना गाइस वो मार के एक आरो मार के नीचे बुला रहा पहले। हीरो लाल आ जा नीचे, नीचे आए। मेरे पास प्लान ABCDFG है, उसके तहत हम लोग अभी लास्ट लोकेशन पर टीके मारेंगे। तो आ रहा मेरे को मारने, हाँ भाई इधर आ, चल 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 अभी तू और मैं
आमने सामने, आमने सामने का मेरा अटैक ही ना लग रहा इसको तो भाई, मेरा अटैक ही ना लग रहा, मेरे सारे अटैक लग ही नहीं रहे, बस लास्ट वाला अटैक लग रहा है गाइस। ये क्या बदतमीजी है, मुझे मेरा बस लास्ट वाला अटैक है, देखो मेरा बस लास्ट वाला अटैक है। मेरा बस लास्ट वाला अटैक लग रहा है इसको, चीटिंग कर रही है, चीटिंग कर रही है। चीटिंग कर रही है ना, आ जा अभी घूम के रिटर्न ना, तब तक मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, आ जाइए यूनिट रिटर्न। अबे यार कहाँ डोटो, नहीं यार मैं इसके रेंज में ही नहीं आ पा रहा हूँ, उससे पहले मुझे स्टन पड़ रहा है काम। मैं घर पे जाता हूँ भाई, इसकी पेटी तो हम लोग बनाएंगे भैया, इसकी पेटी तो बनाएंगे, पहले इसका स्टन अटने दो 30 सेकेंड वाला, ठीक है। और स्टर्न हटने के बाद हम लोग सीधा गए उस बॉस के मुंह पे जाके उससे फाइट लेंगे, बस उससे जो है ना गाइस थोड़ा सा क्लोज जाना है उसके मुझे, ताकि मेरे अटैक वगैरह जो है उसको एटलीस्ट लग सके, उसके क्लोज जाना है मेरे को। ओके जाते ही भाई हमला शुरू, जाते ही हमला शुरू, नहीं मेरे अटैक सीरीज को लग नहीं पा रहे, मेरे अटैक ही नहीं लग पा रहे, मेरे अटैक ही गए जिसको लग नहीं पा रहे। छोड़ो चलो कोई ना गाइस, जिसको कभी और गाइस हम लोग मारेंगे। बाकी आप बताइएगा गाइस आपको ये वाली बॉस कैसी लगी, इसने 800 बिलियन हेल्थ वाले बॉस की ना पुंगी बजा के रख दी, और बहुत ज़्यादा जल्दी इसको ना हम लोग भाई 5 बिलियन हेल्थ वाले बॉस से भी बिढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। बाकी आपको कैसी लग रही है गाइस हमारी नाइट विच, जरूर नीचे कमेंट करके बताना, अगर ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और 1 से लेकर 10 तक इसको रेटिंग देना, 1 मतलब एकदम घटिया, 10 मतलब एकदम ओपी, सो 1 से लेकर 10 तक हमारी नाइट विच के लिए रेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk